हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का पार्ट 6 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम देखते हैं जब वेन घर आती है तो वो दोनों को साथ में देखती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग उसको हो जाता है। तब जियान बोलती है, तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो गया है ना, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। लाओ जियान को चुप कराता है और वेन गुस्से में बोलती है, हाँ हमारा ब्रेकअप हो गया है। वो अपना बैग लेती है और चली जाती है। लाओ जियान को बोलता है टी शर्ट खोलने के लिए, वो ये डिजर्व नहीं करती है और वो वेन के पीछे चला जाता है। और इधर जियान तो पागल हो जा रही थी। फिर हम देखते हैं लाओ वेन के पास पहुंचता, उससे पहले ही वो टैक्सी लेकर वहां से चली गई थी। वो उसको बहुत सारा कॉल भी करता है पर वो कॉल नहीं उठाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं वेन सावर ले रही थी और ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि लाओ उसके साथ ऐसा किया है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग को दिखाया जाता है वेन फाउंडेशन लगा रही थी क्योंकि उसको देर रात तक जगने का और रोने की वजह से डार्क सर्कल्स हो गए थे। तभी उसकी फ्रेंड याओ आ जाती है और पूछती है कि तुम्हें किसी ने बुली किया है। तो वेन बोलती है, तुम्हारे रहते कोई मुझे बुली नहीं कर सकता है। तभी सीचेन का कॉल आता है और वो चली जाती है। सीचेन और वेन को साथ में देखते हुए दोनों बातें कर रहे थे। तभी सीचेन बोलते है कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई जिसे मैं लाइक करता हूं। तो वेन पूछती है वो लड़की कौन है। फिर सीचेन देखते है वो बहुत ज्यादा सैड थी तो उसको वॉक करने के लिए साथ में लेके जाता है। दूसरी तरफ हम लाओ को देखते हैं जिसका दिल टूटा हुआ था। वो वेन को बहुत सारा मैसेज करता है पर उसका एक भी रिप्लाई नहीं करती है वो। तभी उसका घर का डोरवेल बजता है तो उसे लगता है कि वेन आई होगी। वो दौड़ के जाता है। तभी मुझे रहता है, मुझे जब घर का डेकोरेशन देखता है तो बोलता है, वाह तुम तो कल बहुत मजे किए हुए थे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है। फिर लाला उसको सारा बात बताता है, मुझे सुनकर चौंक जाता है। और दूसरे तरफ सीचेन को और वेन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा साथ में अच्छी तरीके से वक्त बिता रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लाओ वेन के घर के नीचे आया हुआ था। तभी वो देखता है वेन और सीचेन साथ में आ रहे थे और दोनों बातें भी कर रहे थे। तभी लाओ वेन को बोलता है, तुम मेरा फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही थी, ना मैसेज का जवाब दे रही थी, और तुम किसी और लड़के के साथ क्यों घूम रही हो। फिर वहाँ पे उन लोगों को थोड़ा मोड़ा आर्गुमेंट होता है, फिर वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें सीचेन और लाला को बीच में थोड़ा सा बहस दिखता है। फिर हम मुझे को और लाला को साथ में देखते हैं, जिससे मुझे उसको एडवाइस कर रहा था कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड का जो झगड़ा चल रहा है उसको खत्म करो वरना कोई और तुमसे लेकर चले जाएगा। फिर हम लाला को देखते हैं जो अपनी मम्मी का घर आया हुआ था। उसकी मम्मी उसको डांटती है और बोलती है, तुम हमेशा अकेले क्यों आते हो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को साथ क्यों नहीं लेकर आते हो। तो लाला बोलता है कि वो अभी कंपटीशन में बिजी है और उसका हेल्थ एक प्रोफेशनल बंदा कर रहा है। फिर उसकी माँ बोलती है, अगर तुम नेक्स्ट टाइम अकेले आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आना। फिर हम देखते हैं वेन की बेस्ट फ्रेंड उसको बोलती है, तुम क्या हमेशा लाओ को इग्नोर करते रहोगे। तो उसका बात को ध्यान नहीं देती है और बोलती है कि मैं दादी से मिलने जा रही हूँ। जब वो जाती रहती है तो लाओ बाहर वेट कर रहा था। वो उसको रोकता है, वो बोलता है तुम कहाँ जा रही हो। तो बोलता है तुमसे कोई मतलब, मैं अपने काम से जा रही हूँ, वैसे भी मैं अपना फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। तब भी वहाँ पे सीचन आ जाता है और उसको लेकर वहाँ से चले जाता है। अल्लाह भी उनका पीछा करने लगता है। और वेन सीचन के दादी के पास आए हुए थे। फिर हम देखते हैं लाला भी दादी के पास पहुंच गया था। वो बोलता है कि मैं वेन का बॉयफ्रेंड हूँ। तो सीचन बोलते है दादी से भरोसा मत करना, ये वेन को बस गुस्सा दिलाता है। तो दादी बोलती है, मुझे तो ये अच्छा लड़का लग रहा है। फिर हम देखते हैं लाओ रूम में देखने जा रहा था कि वेन कहाँ गई है। अभी वहाँ पर सीचन आता है, अब बोलता है कि तुम्हें बता कर नहीं गई है कि वेन कहाँ गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वेन और दादी एक खेत में काम कर रहे थे, वहीं पर वो दोनों पहुंच जाते हैं। वो पानी से स्लिप खाकर लाला गिर है। ये करता है सीचन, इसकी वजह से उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाता है थोड़ा सा। फिर हम देखते हैं लाला वो दोनों को बोलती है कि तुम दोनों को साथ में सोना होगा। दोनों बहुत बहाना बनाते हैं पर उन लोगों के पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है, मन नहीं पड़ता है। दोनों एक ही चादर के लिए झगड़ने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं सीचन वेन का पेंटिंग बना रहा था। उन दोनों को साथ में लाओ चुपके से देख रहा था, उसे बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा था। जब वो लोग वापस आते सीचन और वेन तो वेन नोटिस करती है कि लाओ उसके साथ वापस नहीं आया था। तो दादी से पूछती है तो दादी बोलती नहीं, लाला तो अभी तक नहीं आया है। तो फिर वो उसे खोजने के लिए वापस चली जाती है। तो सीचन भी उसके साथ चले जाता है लाला को खोजने के लिए। फिर हम देखते हैं वेन की बेस्ट फ्रेंड और मुझे को जो दोनों साथ में रहते हैं। मुझे कोई बाइक का पार्ट ढूंढ रहा था। वो बहुत सारा दुकान में जाता है लेकिन आखिरी वाला दुकान में मिल ही जाता है। फिर वो वेन की बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है, वो उसे कुछ बोलती उसे पहले उसको उठा के एक दुकान के पास लेके जाता है। वहाँ पे उसको अपनी गर्लफ्रेंड बोल के उसको दाम कम कराता है पर उसका शॉप होने पर भांडा फोड़ने ही वाला था। फिर वो बच जाता है लेकिन याम को समझ में आ जाता है और मुझे का झूठ पकड़ा जाता है। और दूसरी तरफ हम मेनमेन को देखते हैं जो लाला को खोज रही थी। तभी उसको डब्बा में हाथ का वेस्टेड मिलता है, वो छुपा लेती है। लाला
वाला भी वही वेस्टलेट को ढूंढ रहा था, लेकिन लॉ तो पहले ही देख लिया था। तब वेनवेन पूछते, तुम कहाँ थे, तुम डिनर करने के लिए साथ क्यों नहीं आए। एक्चुअली उसको चिंता था, पर वो बहाना बोल देती है कि दादी तुमको लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में थी। फिर लॉ बोलता है कि तुम दोनों इतने साथ में क्यों हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना। इससे हमें यह पता चलता है कि लॉला बहुत ज्यादा जलस हो रहा था। यह देख के वेनवेन हंस रही थी। फिर वेनवेन उसको ये भी दिलासा दिलाती है कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, वो लोग बस फ्रेंड है। फिर लॉ खुश हो जाता है, उसके हाथ में वो वेस्टलेट अपने हाथों से पहना देता है। फिर उन दोनों का जितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग था सब क्लियर हो जाता है। फिर वो लोग किस करते हैं, किस करते हुए सीजन उन लोग को देख लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में वो लोग दादी के घर से वापस आ रहे थे। जब लॉला और वेनवेन हाथ पकड़े हुए थे तो सीजन को देखकर बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था, वो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं याया और वेनवेन कॉम्पिटिशन के दिन में कपड़े सिलेक्ट कर रही थी। तभी वहाँ पे या मूसे को देख लेती और गुस्से से वहाँ पे जाने लगती और वेनवेन को कहती है कि कोई मेरे बारे में पूछे कुछ मत बताना। हम देखते हैं वहाँ पे सीचन आया था एज अ जज बन के। तो वेनवेन बोलती है कि तुम मेरे साथ इतना पोलाइट मत बनो, सबको इक्वली देखो। उन दो को साथ में क्लोज कोई फोटो ले लेता है। कंपटीशन स्टार्ट होता है। इस कंपटीशन में हमारे हीरोइन वेनवेन जीत जाती। एक लड़की उठ के बोलती है कि हम लोग नहीं माने कि इस कंपटीशन में वेनवेन जीती है। दोनों का साथ वाला फोटो भी दिखाती है और बोलती है कि ये दोनों रिलेशनशिप में है। और सीचन ये भी बोलता है कि ये लड़की जो बोल रही है सब गलत है, सब कुछ नहीं है। राव वहाँ पे आता है, सिचुएशन को संभालता है। वो लोग इस कंडीशन में मानते हैं कि वेनवेन इस ड्रेस को फिर से डिजाइन करेगी। फिर कुछ देर बाद देखते हैं वेनवेन बड़ी मेहनत से फिर एक न्यू वाला डिजाइन करती है कपड़े को। और फिर मॉडल के साथ वो पेश होती है स्टेज पर सभी लोग को और अच्छे से एक्सप्लेन करती है डिजाइन के बारे में। सभी लोग को बहुत अच्छा लगता है और ये कॉम्पिटिशन हमारी हीरोइन जीत जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि तीनों साथ में घूमने के लिए आए हुए थे। फिर वेनवेन ये देख रही थी कि उन दोनों के बीच में थोड़ा मोड़ा झड़प हो रहा है, जिससे वेनवेन बहुत ज्यादा परेशान होती है, वो जाने लगती है। फिर वो दोनों मिलकर वेनवेन को रोकते हैं और वो लोग खाने का डिसाइड करते हैं। वो दोनों अपने में ही लगे पड़े हुए थे। तो वेनवेन बोलते कोई मुझसे भी तो पूछो मुझे क्या खाना है। देखते वो लोग खाना खाने जाते हैं, जहाँ पर सीचन बहुत सारा खाना ऑर्डर करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है। तो वेनवेन अपने हाथ से ला को खाना खिलाती है। यह देखकर सीचन बहुत ज्यादा जलस फील करता है। फिर उन दोनों के बीच में ड्रिंक करने का कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं सीचन ड्रिंक करके पूरा टूल हो गया था। जब वेनवेन उसका कपड़े चेंज करने जा रही थी तो ला को बहुत ज्यादा जलस फील होता है। वो उसको हटाकर खुद उसको कपड़ा चेंज करने लगता है। फिर उसका हरकत देखकर तो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। कुछ देर बाद देखते हैं सीचन ओनली चादर ओढ़ा हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं सीचन लॉ का पैर पकड़ के सोया हुआ था। लॉ उसको एक लात मारता है, वो गुस्से से वहां से चले जाता है। जब वेनवेन उठती है तो गेट खोलती है तो उसको पता चलता है कि कोई गेट बाहर से लॉक कर दिया है, लेकिन एक्चुअली लॉला उसको बंद किया था, पर वो ब्लेम कर देता है सीचन पे। जब वेनवेन लॉला से पूछती है कि सीचन कहां गया तो लॉला बोलता है कि वो चले गया। उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होता है, तुम ऐसे कैसे जाने दे सकते हो, वो मेरा भाई की तरह है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मेमे और उसके फ्रेंड लोग के साथ देखते हैं, जो उन लोग को पता चल जाता है कि या और वेनवेन ट्विन सिस्टर है। फिर हम देखते हैं या जब जा रही थी तो मुझे उसको पकड़ कर लेके जाता है, उसको न्यू बाइक देता है, बोलता है माफी के तौर पर मैं तुम्हें बाइक दे रहा हूँ। तो या बोलती है कि मैं तुम्हारे मीठी बातों में फंसने वाली नहीं हूँ, और बोलता है कि प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। मुझे सुनकर बहुत ज्यादा उसको बुरा फील होता है। फिर लॉला के पास जाता है, अपना दुखड़ा उसे सुनाता है, बोलता है कि लड़की को समझना बहुत मुश्किल है। आप लोग को भी लगता है कि लड़की को समझना मुश्किल है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं लॉला और वेनवेन साथ में थी, उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है। तभी वेनवेन लॉ को बताती है कि सीचन ना वो दोनों साथ में कैसे बड़े हुए। बोलते है कि तुम तो समझ सकते हो ना बेस्ट फ्रेंड होना कैसा होता है। तो लॉ बोलता है मैं समझ सकता हूँ। फिर वो बोलती है ठीक है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं सीचन से मिलने जा रही हूँ। और वो ये भी बोलती है कि तुम मेरा घर पे वेट करना। लॉ उसे कुछ नहीं बोलता, पर अंदर से तो बहुत ज्यादा जलस फील हो रहा था उसको। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं सीचन एंड वेनवेन बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पे लॉ आ जाता है, बोलता है तुम दोनों का बातें खत्म हो गया है तो वेनवेन घर चलो। फिर वो दोनों मिलकर वेनवेन को टालने लगते हैं। यार वो दोनों से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर हम देखते हैं जियान लॉ के पास जाती है और उसे माफी मांगती है। तो लॉ बोलता है तुम मुझसे दूर ही रहो, बहुत बढ़िया होगा तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। फिर वहां से चले जाता है। वेनवेन और लॉ बातें कर रहे थे तो लॉ बोलती है कि तुम्हें मुझे बस परेशान करता है ना। तो लॉ बोलती है हाँ वो मुझे सिर्फ परेशान करता है, मुझे लाइब्रेरी में था तभी उसको छींक आती
आता है तो कंफर्म हो जाता है कि या उसको याद कर रही है। वो लाइब्रेरी में बाइक के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करने गया था। मुझे अपने फोन पर या का वॉलपेपर लगाया रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विनविन चुपके चुपके लॉक रूम में जाती है, उसका लैपटॉप ऑन करने की कोशिश करती है पर नहीं होता है। तभी वहाँ पे लॉ आ जाता है। वो उससे पूछता तुम क्या कर रही थी, तो बोलता मैं बस कुछ चेक कर रही थी। तभी लॉ उसको बोलते कि प्राइवेट चीज उसका चेक ना करे। जैसे ही लॉ लैपटॉप का पासवर्ड बताने वाला था तभी वो बोल देती है, तो लॉ सोचता तुम्हें कैसे पता है। फिर उन दोनों के बीच में थोड़ा सा झड़क होता है और वो दोनों कुछ ज्यादा ही करीब हो जाते हैं। विनविन उसको किस करके थैंक यू बोलता है उसको हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरे से हम देखते यान और ये साथ में थे, जियांग और मैमे साथ में देख लेते हैं, तो मैमे उसे बताती है कि ये दोनों सिस्टर ट्विंस है। तभी मैमे कुछ प्रूफ दिखाती है तो जियांग मान लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉ और याहू का कंपटीशन हो रहा था। तभी लॉ आ जाता है, वो गिर जाता है। तभी लॉ पक्ष लेकर एक लड़की उसको लॉ के बारे में बहुत बुरा बोलने लगती है, जिसको देखकर जिया और मैमे दोनों गुस्सा करने लगती है उस लड़की पे। फिर हम देखते हैं मुझे और यान लॉ को बता रहा था कि रूमर्स फैल गया है कि तुम याहू बहुत गलत तरीके से इंजर्ड कर दिए हो। तभी याहू का पर्दा फास्ट करने के लिए मुझे पीछे उसका पीछा करता है। जैसे ही याओ के पास बॉल आता है वो बॉल मार देता है और फिर ऐसा प्रिटेंड करने लगता है कि उसका पैर में इंजर्ड हो गया है और मुझे ऐसा फोटो क्लिक कर लेता है। तभी हम देखते हैं मुझे और विनविन का टीम बन जाता है। फिर वो दोनों मिलकर उस लड़के के खिलाफ पूरा एविडेंस इकट्ठा करते हैं। वो लोग सभी मिलकर हांगोंग का पीछा करने लगते हैं। वो लोग क्लब में जाते हैं जहाँ पे मुझे एक्टिंग करता है कि कुछ देख नहीं सकता है। वो उसका स्टिक गिरा देता है, उसके ऊपर ड्रिंक भी गिरा देता है, जिससे गुस्सा होकर वो लोग खड़े हो जाते हैं। ये सब रिकॉर्डिंग याहू कर रही थी। वो लोग उसके खिलाफ अच्छा खासा एविडेंस इकट्ठा कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं विनविन लॉ के पास जाती है, तो लॉ पूछता तुम मेरा फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही थी। तो विनविन बोलती कोई भी मेरे बॉयफ्रेंड को गलत तरीका से ट्रीट करेगा तो मैं छोड़ने वाली तो हूँ नहीं। वो उसको पूरा एविडेंस दिखाती है। लॉ उसको पोस्ट करने के लिए मना करता है, तो विनविन बोलती है क्यों, क्योंकि लॉ नहीं चाहता था कि उसका क्लासमेट किसी तरीका से हर्ट हो। अगर ये वीडियो वायरल हो जाएगा तो उसके खिलाफ सब नेगेटिव बातें करेंगे। ये सुनकर विनविन उसको हग कर लेती है और बोलती तुम बहुत अच्छे हो। चैन विनविन जहाँ थी वहाँ पर सीचन की नाती उसे बताती है कि हांगोंग को लेकर सब बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। विनविन को ये सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो हांगोंग से मिलने चली जाती है और उसको कल रात वाला वीडियो दिखाती है। यह देखकर हांगोंग बहुत ज्यादा चौंक जाता है और डर भी जाता है और वो हांगोंग को वार्न करके आती है। इसके बाद हम देखते हैं सीचन एक टी शर्ट को डिजाइन किया था जो बाकी बहुत सुंदर था। तभी वहाँ पे लाला आ जाता, बोलते इतना खास नहीं लग रहा है। तभी सीचन गुस्सा हो जाता, उसको ब्रश देता, बोलते तुम बनाओ। तभी विनविन बोलती कोई बात नहीं हम सब मिलकर बनाएंगे। फिर सीचन सभी टी शर्ट को अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ था तो सभी लोग उस टी शर्ट को सेल करने में लगे हुए थे अपनी अपनी तरीका से। इसके बाद हम देखते हैं सभी फैन गर्ल लाला को बड़े स्क्रीन में देख रही थी, इसका मतलब वो फिर से प्रेसिडेंट बन चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं मुझे यह बाइक को ठीक कर दिया था, उसके पैर में थोड़ा सा इंजर्ड भी हो गया था पर इस बात को उसको फिर फिक्र नहीं था। वो इस बात का खुश था कि उसका बाइक ठीक हो गया है। फिर हम देखते हैं याओ को विनविन बताती है कि तुम्हारे बाइक के लिए मुझे इंजर्ड हो गया और तुम्हारे बाइक के लिए मुझे बहुत कुछ किया है। फिर हम देखते हैं याओ खाना बनाकर लाई थी जो विनविन को दे देती है और ये भी बोलती है कि उसे नहीं बताना कि मैं उसे खाना दी हूँ। फिर विनविन वो खाना लेकर मुझे के पास जाता है, बोलते है कि कोई स्पेशल तुम्हारे लिए खाना भिजवाया। मुझे समझ जाता है कि ये याओ है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं याओ मुझे का नंबर को अनब्लॉक कर देती है, मुझे सोकर सूप पीने लगता है। और दूसरे दिन देखते हैं विनविन याओ को बताती है कि मुझे अब ठीक हो गया है। फिर हम देखते हैं दोनों दोस्त बात कर रहे थे, जिसमें विनविन बताती है कि लॉ उसको एक शॉप दिया है। वो शॉप पे सारा सामान लेके जाती है पर वो सारा सामान रिजेक्ट हो जाता है। जब वो वापस आ रही थी उसका पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, तभी सीचन देख लेता है, उसे अपने साथ लेके जाता है और मेडिसिन भी देता है। सीचन उसको अच्छी तरीके से ख्याल रखता है। तभी वहाँ पे लॉ आ जाता और सीचन उसे बोलता है कि तुम अगर ख्याल अच्छे से नहीं रख पा रहे हो तो मैं रख लूंगा, वैसे भी मैं उसको पसंद करता हूँ। फिर लॉ वहाँ से चले जाता है और विनविन पे गुस्सा था कि वो अपना अच्छे से ध्यान नहीं रख रही थी, फिर उसको किस करता है। और दूसरी तरफ हम याओ को देखते हैं जो बाथरूम में जाती है, तभी उसके पीछे मैमे का डॉक्टर का कॉल पिकअप कर लेती है, सब बात सुन लेती है और बोलती है कि विनविन बीमार है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सारांगे। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।